नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, एक कहता है सोप बबल जिसकी ऑलरेडी रेडियस 1 मिलीमीटर है, बहुत छोटा सोप बबल है, ठीक है, बचपन में खेले होगे, ठीक है, फ्रॉम ए डिटर्जेंट सोल्यूशन हैविंग ए सरफेस टेंशन 2.4 × 10^10। अब डिटर्जेंट सोप सोल्यूशन नहीं, बचपन में खेलते हम लोग ऐसे सोप का सोल्यूशन बनाते थे और खेला करते थे, ठीक है, अभी भी लोग खेलते हैं बचपन के, ठीक है, ये तो सोप सोल्यूशन है। अंदर देखो, अंदर में जो सोप सोल्यूशन है उसका प्रेशर यार ज़्यादा होता, अंदर में प्रेशर P1 है यहाँ पर और यहाँ पर प्रेशर P2 है, तो P1 इज ग्रेटर देन P2। कर्व सरफेस, जो केव सरफेस होता है, गुफा वाला जो सरफेस होता है, कॉनकेव, जैसे ऐसे एक सरफेस बनाया मैं, ठीक है, और इधर मैंने लिक्विड रख दिया, तो इधर जो प्रेशर है वो केव वाले साइड प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर ये सरफेस ऐसे है और लिक्विड ऐसे है तो इधर 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 प्रेशर ज़्यादा होगा, कर्व सरफेस में प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो प्रेशर दोनों में यहाँ पर प्रेशर दोनों में इक्वल होता है, केव, याद रखो केव वाले साइड प्रेशर ज़्यादा होता है, इसको बोलते हैं एक्सेस प्रेशर, ठीक है, बैलेंस करने के लिए आता है। चलो, तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल, अब कहता है एक्सेस प्रेशर, अगर यहाँ पर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर, इधर एयर है तो एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना है, P0 है, तो इसके अंदर जो प्रेशर होता है P1 उसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, P1 इज इक्वल टू P0 प्लस 4T सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाई रेडियस, है ना, याद करो, ठीक है, याद करो इस एक्सप्रेशन को, पढ़े हो ना इसको लिटिल बिट, अगर आप पढ़े होगे थोड़ा सा तो इसको आप बड़े आराम से कर सकते हो, P1 इज इक्वल टू P, ठीक है। अगर ये वाटर का रहता तो एक्सेस प्रेशर 2T अपन आ रहा था, अभी सोप है, ठीक है, क्लियर है। तो ये मुझे मिल गया कॉन्सेप्ट। अब ये कहता है ये जो प्रेशर है कर्व के अंदर, वो प्रेशर कहीं दूसरे जगह के बराबर है, वो दूसरा जगह कौन सा है, दूसरा लोकेशन, ठीक है, कि एक आदमी इंडियन एक जापानी चाइनीज के बराबर है, ठीक है, ऐसा कुछ, एक जापानीज जो है वो जापान में रहता है और एक चाइनीज, इन दोनों की शक्ल मिलती जुलती है, जापानियों को देखोगे या चाइनीज को देखोगे तो लगभग एक ही जैसे सारे शक्ल के होते हैं यार, ठीक है, हाँ मतलब वैसे थ्योरेटिकली डिफरेंट होते हैं पर हम लोगों के लिए ऐसा लगता है यार एक ही शक्ल के जैसे होते हैं। ये कहता है ये प्रेशर कहीं और के इक्वल है, वो कहाँ, दूसरा कंडीशन है, द प्रेशर इन साइड द बबल इक्वल टू Z0, ठीक है, ये जो प्रेशर इन साइड द बबल इक्वल टू एक पॉइंट है Z0 बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर इन ए कंटेनर, ये कंटेनर है, इसमें मैं पानी भर दूँ और इसके मैं नीचे चला जाऊँ अंदर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि यहाँ से Z0 नीचे है, दैट इज Z0, तो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा लिख सकते हो, सबको आता है प्रेशर लिखने, यहाँ पर प्रेशर जो होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर P0, भाई एयर का प्रेशर ऐसे लगता है ना, एयर का प्रेशर ऐसे लगता है, और ड्यू टू ये लिक्विड, ये जो लिक्विड इसके ऊपर है वो भी प्रेशर लगाती है, तो लिक्विड का प्रेशर कितना होता है, रो जी एच होता है, अब यहाँ एच की वैल्यू Z0 है, दैट एच इज Z0, ठीक है, Z0 बिलो द फ्री सरफेस। अब ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 दोनों बराबर है तो मैं बराबर ही करूँगा, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों को इक्वेट कर दिया जाए तो पूछ क्या रहा है, ठीक है, बिलो द फ्री सरफेस द प्रेशर इनसाइड फ्री सरफेस इक्वल टू द पॉइंट फ्री सरफेस ऑफ टेकिंग, अच्छा Z0 की वैल्यू पूछ रहा, इन दोनों को इक्वेट कर दोगे तो ये P0 प्लस 4T सरफेस टेंशन रेडियस इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी Z0, तो P0 ने P0 को, ठीक है, तो Z0 की वैल्यू इज इक्वल टू 4T और R रो जी आर। अब क्या काम करना है, अब भाई मतलब वैल्यू पुट करना है, ठीक है, तो वैल्यू पुट करो, 4 सरफेस टेंशन दिया हुआ, सरफेस टेंशन 2.5 × 10^-2, सरफेस टेंशन 4 × 2.5 × 10^-2, ठीक है, डिवाइड कर दूँ, रो डेंसिटी कितनी है, 10^3 वाटर की हो जाएगी, वाटर की डेंसिटी थी और जी की वैल्यू 10 लो 1 मिलीमीटर सोप बबल का रेडियस, तो SI में सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ जाएगा डेंसिटी 10^3 और रेडियस 1 मिलीमीटर 10^-3 मीटर,
ठीक है। तो जब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये 100 वन, तो वन आ जाएगा, वन सॉल्व कर लेना इसको, 1 सेंटीमीटर के आसपास ये आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो इसका जो सोल्यूशन है दैट इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आई होप कि बहुत अच्छे से आपको समझ में